महाशिवनी तहसील क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना नेता अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दमखम से प्रचार कर जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। करभाट जिला परिषद सर्कल से पिछली मर्तबा कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना दीपक भुयर ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस मर्तबा करभाट जिला परिषद में तीनों उम्मीदवार तगड़े होने से यहां पर कौन सा उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब होगा, इस ओर सभी की नजरें लगी हुई है। महाशिवनी तहसील क्षेत्र में कुल 64 बूथ है, 33,330 मतदाता हैं जो मतदान करने वाले हैं, जहां एक तृतीय पंथी मतदार भी है। करभाट जिला परिषद सर्कल से इस बार फिर पिछली मर्तबा जीत दर्ज कर सदस्य चुनकर आई अर्चना दीपक भोयर को ही उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है। वहीं भाजपा की ओर से इस बार भाजपा ने महाशिवनी पंचायत समिति के भूतपूर्व सभापति राजेश कड्डू की धर्मपत्नी प्रभा कड्डू को उम्मीदवारी देकर भाजपा ने दाव खेला है। वहीं शिवसेना के विधायक आशीष जायसवाल ने संजीवनी राजेश गोमकाले को मैदान में उतार कर दाव खेला है, जो पिछली बार 100 गोमकाले कम अंतर में हारी थी। संजीवनी गोमकाले के ऊपर विश्वास दिखाते हुए जीत हासिल करने के लिए सभी शिवसेना कार्यकर्ता प्रचार के लिए घर घर जाकर प्रचार करने में लगाए गए हैं। वहीं मनीषा दिलीप मेश्राम ने इस चुनाव से नामांकन वापस लिया है। चारगांव पंचायत समिति सदस्य के लिए शिवसेना ने पिछली मर्तबा जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार किशन गंगारे को दोबारा मैदान में उतार कर जीत हासिल करने का दाव किया है। कांग्रेस की ओर से तुलसी प्रदीप दिएवार को उम्मीदवारी देकर चुनाव मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने शिशुपाल बेदरे के ऊपर विश्वास दिखाते हुए उम्मीदवारी दी है। चारगांव पंचायत समिति सदस्य के लिए विट्ठल पाटिल ने अध्यक्ष उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए चुनाव मैदान में रंगत बढ़ाई है। नयाकुंड पंचायत समिति सदस्य के लिए कांग्रेस ने पिछली बार की विजयी उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। शिवसेना की ओर से सुनीता नाना तायवाड़े को टिकट देकर उम्मीदवार के रूप में पेश कर जीत हासिल करने के लिए दमखम से कार्यकर्ता की फौज शिवसेना की ओर से चुनाव प्रचार में लगाने की संभावना जताई जा रही है, तो भाजपा की ओर से आशा रविंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। जहां सभी उम्मीदवार जाने माने होने से करभाट जिला परिषद के चुनाव को देखते हुए यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल करना सभी पक्ष संगठनों के लिए आसान नहीं है। यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना राजनीतिक सलाहकार की ओर से भविष्यवाणी की जा रही है। वहीं चारगांव में पंचायत समिति सदस्य के लिए होने जा रहे चुनाव में अपक्ष उम्मीदवार विट्ठल पाटिल भी जोर शोर से प्रचार करने, मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार करने में जुटे हैं। इसी कारण पक्ष उम्मीदवारों के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होने की संभावना मतदाताओं द्वारा जताई जा रही है। पारसिवनी तालुक्यामधनं एक जिल्हा परिषदचा गट आणि दोन पंचायत समितीचे गट मतदानाकरिता ही पोटनिवडणूक होत आहे। याकरिता 69 मतदान केंद्र आपण निश्चित केलेली आहे। आज माघारीचा शेवटचा दिवस आहे आणि या दिवशी या निवडणुकीकरिता जे मुख्य निवडणूक निरीक्षक आहेत ते जिल्ह्यामध्ये दाखल झालेले आहेत। तर माझी या माध्यमातून सर्व नागरिकांना मतदारांना विनंती आहे, आपल्या ज्या काही तक्रारी अडचणी जे काही प्रश्न असतील ते आपण या ठिकाणी माननीय मुख्य निवडणूक निरीक्षक यांच्याकरिता आपण संपर्क साधू शकता। त्याचबरोबर सद्यस्थितीमध्ये एकूण या तीन निवडणुकींकरिता 13 उमेदवार हे उभे आहेत। BCN न्यूज के लिए महाशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।